वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अनसीन पैसेजेस पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 जनरल इंग्लिश वालों के लिए है, एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से। और ये टॉपिक अनसीन पैसेज का उतना ही इम्पोर्टेंट 11th वालों के लिए भी है, तो इसको अच्छे से देखें, समझे और कॉपी में नोट डाउन कर ले जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनसीन पैसेजेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अनसीन पैसेज के इस इम्पोर्टेंट से टॉपिक को। तो सबसे पहली बात, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यह ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा जाता है, यानी कि स्टार्टिंग ये आपके पेपर में अनसीन पैसेज से होती है। अनसीन पैसेज अनुच्छेद होते हैं, वैसे हम जानते हैं थोड़ी बहुत जानकारी अनसीन पैसेजेस कैसे होते हैं। इससे पहले भी क्लासों में अपनों ने देखे होंगे कि उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको पैसेज के अंडरस्टैंडिंग, उसके समझ के ऊपर आपको उसके प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो ये स्क्रीन पे देखते रहें कि 12 मार्क्स में आते हैं अनसीन पैसेज 12th के जनरल इंग्लिश की बात हो रही है, और इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 10, है ना। कुल प्रश्न इसमें 10 होते हैं। इसमें पैसेज के ऊपर आधारित, यानी कि जो पैसेज के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, जो कहानी दी होगी, जो इन्फॉर्मेशन दी होगी पैसेज में, उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे आपके 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, है ना। मतलब एवरेज 7 होते हैं, लेकिन 7 से 8 कभी 8 भी होते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जिसमें वैकल्पिक आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, 3, 4 या 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, जो कि 5 से 6 आते हैं। मिनिमम 5 आते ही हैं, लेकिन छठा भी आ सकता है, जो कि 5 से 6 मार्क्स के होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। और 2 क्वेश्चन आंसर टाइप के आते हैं, 2 क्वेश्चन ये जो कि 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि दोनों क्वेश्चन आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के होंगे। इसके बाद वोकेबुलरी टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो पैसेज के अंदर से या उसके समझ के अंदर से ही होंगे, लेकिन वो शब्दकोश के ऊपर आधारित होंगे, है ना। वोकेबुलरी यानी शब्दकोश। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। मिनिमम 3 पूछे जाते हैं, लेकिन कभी 2 पूछे जा सकते हैं, तो 2 से 3 हम एवरेज मानते हैं। तो ये वोकेबुलरी यानी शब्दकोश वाले प्रश्न कैसे हो सकते हैं, तो ये 4 टाइप के हो सकते हैं, जैसा जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि ये तो या तो कोई वर्ड देंगे, कोई शब्द देंगे जिसका नाउन फॉर्म पूछ लेंगे, है ना। संज्ञा रूप के, इस शब्द का संज्ञा रूप क्या है, नाउन फॉर्म क्या है ना। उसमें ऑप्शन दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जैसा आपने ने देखा कि पैसेज पर आधारित जो 5 से 6 प्रश्न होंगे वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें ऑप्शन आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये वोकेबुलरी टाइप के कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें दें तो ठीक है, लेकिन नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जो ऊपर के 5 है उसमें तो देंगे ही देंगे। तो ये वोकेबुलरी टाइप में नाउन फॉर्म पूछ सकते हैं, वर्ब फॉर्म यानी कोई क्रिया का रूप पूछ सकते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म यानी कोई विशेषण का रूप पूछ सकते हैं, एडवर्ब फॉर्म या फिर कोई क्रिया विशेषण का रूप पूछ सकते हैं, यानी कि थोड़ा ग्रामर रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद दूसरा वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ पूछ सकते हैं कि यह शब्द का मीनिंग क्या है। तीसरा है कि एंटोनियम या ऑपोजिट मीनिंग, है ना। एंटोनियम यानी इसमें आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, हिंदी अनुवाद भी आपको मिल रहा है कि विलोम शब्द, है ना, जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, कि कोई शब्द दिया गया हो और उसका आपको विलोम शब्द बताना हो। और चौथे टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है वोकेबुलरी में कि सिनोनियम या सिमिलर मीनिंग यानी पर्यायवाची, जो समानार्थी शब्द होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। देखिए जो भी होगा कहीं ना कहीं पैसेज के ऊपर आधारित होगा, पैसेज से समझ के ऊपर ही होगा। तो ये अपनों ने एक फॉर्मेट देखा कि जो अनसीन पैसेज आएगा अपने 12 मार्क्स का, वो किस तरह से अपने सामने पेश होगा, है ना। पैसेज तो कोई भी आ सकता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है अपने 12th में हिंदी मीडियम जनरल इंग्लिश वालों के लिए पूछे जाने का, वो इस टाइप का होता है। तो ये तो अपनों ने जाना अनसीन पैसेज के बेसिक जानकारी की क्या हो सकता है। तो अब हम अपनी जो बेसिक जानकारी हमें समझ में आई है उसी के आधार पे हम किसी पैसेज को सोल्व करने से पहले जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होनी चाहिए बिना कोई कन्फ्यूज़न के हम पैसेज के अंदर प्रश्नों को सोल्व कर सके, तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन देख लेते हैं, है ना। ग्रामर में इसमें क्या कि आप देख लें स्क्रीन पे, ये आपको कॉपी में नोट डाउन भी करते जाना है, या तो पॉज करते रहे या स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी कि आपने हिंदी में कभी पढ़ा होगा ही सही, उपसर्ग और प्रत्यय, वैसे इंग्लिश में भी 9th से तो मिनिमम बताया दिया जाता है। तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी है कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में उपसर्ग कहते हैं,
वे शब्द जो पहले जुड़ते हैं प्रिफिक्स कहलाते हैं। पहले जुड़ते हैं मतलब जैसे एग्जांपल में समझे कि एक प्रिफिक्स दिया हुआ है ऑटो, तो ये किसी शब्द में कैसे जुड़ेगा, ऑटोबायोग्राफी है ना। इसका जो रूट वर्ड था, जो मूल शब्द था, वो क्या था, बायोग्राफी यानी जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी यानी स्वयं की जीवनी, हस्तलिखित जीवनी, खुद व्यक्तिगत जो पर्सनल व्यक्ति है वो खुद अपने बारे में अपनी जीवनी लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यानी कि बायोग्राफी एक अलग स्वतंत्र वर्ड होता है और उसके आगे यदि कोई शब्द जोड़ दिया जाए तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ऐसे ही होता है सफिक्स, यानी जिसको हिंदी में हम प्रत्यय कहते हैं, वे शब्द जो बाद में जुड़ते हैं सफिक्स कहलाते हैं, बाद में जुड़ते हैं। जैसा कि एक और एग्जांपल दिया इसका सफिक्स का कि कंफर्ट, कंफर्ट यानी हम आराम को कहते हैं, तो कंफर्टेबल हो जाएगा, एबल उसमें क्या जुड़ा, सफिक्स जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया। तो जो पीछे जुड़ते हैं वो सफिक्स, जो आगे जुड़ते हैं वो प्रीफिक्स। लेकिन अनसीन पैसेजेस हम डील करने वाले हैं तो उसके लिए आपको मेन जानकारी सफिक्स की होनी चाहिए। प्रीफिक्स भी कहीं काम आएंगे लेकिन ज़्यादातर सफिक्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो इसमें हम देख लें कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक मिनट, तो देखें कि कैसे सफिक्स जुड़ने पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब पहचान सकते हैं। यानी कि आपको जब कोई ऐसा वर्ड दिया जाएगा, जैसा कि अपनों ने देखा था कि कैसे अनसीन पैसेजेस में सफिक्स पूछे जा सकते हैं, एंटोनियम वगैरह, एंटोनियम सिनोनियम, तो या फिर नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म, तो ऐसे में आपको ये सभी काम आएंगे। और ये ज़रूर आप कॉपी में नोट डाउन कर ले, बहुत ही छानबीन करके और समझ के आपको ये सब सामने दिया जा रहा है। वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन एक ये सफिक्स ऐसे चीज़ होते हैं जिसको हम जल्दी पहचान सकते हैं कि ये जितने भी पीछे प्रत्यय में आने वाले शब्द हैं, तो इसे हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को पहचान सकते हैं। तो आप देख लें स्क्रीन पे, क्या पूरा समझ लें अच्छे से कि सफिक्स पर जुड़ने पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को पहचान सकते हैं। किसी को हिंदी में नहीं समझ में आता हो या भूल जाते हैं, रिवीजन की ज़रूरत है, तो यही समझ में हिंदी में भी आ रहा है कि नाउन यानी संज्ञा, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। कुछ भी आपको लगे कि कुछ छूट रहा है या फिर कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को उसी वक्त थोड़ा सा बैक जाए और फिर से प्ले कर ले। तो यहाँ पे आप देख लें कि चारों को किस तरह से उसके सफिक्स हम पहचान सकते हैं। जैसे पहले आप लोगों ने दिया है नाउन यानी संज्ञा, किसी भी आगे, किसी मेन वर्ड के आगे, किसी इंडिपेंडेंट वर्ड के आगे पीछे यदि आई ओ एन आ जाए, स्क्रीन पे देखते रहे, पहला क्या है आई ओ एन, तो वो नाउन हो जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन, ऐसे ही सेकेंड में एम ई एन टी कोई आ जाए पीछे वर्ड, है ना, जैसे एनवायरमेंट या एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे ये एक सफिक्स होगा एम ई एन टी। ऐसे ही एग्जाम्पल तो काफ़ी हो सकते हैं लेकिन हम सिर्फ जल्दी से पढ़ लें। जैसे कि थर्ड में ए एन सी ई हो तो नाउन हो सकता है पीछे, यदि पीछे ई एन सी ई हो तो भी नाउन हो सकता है, यदि आई टी वाई हो तो भी नाउन हो सकता है, टी ओ आर ई हो तो भी नाउन हो सकता है। सेवन नंबर आई एन जी, इस पर स्टार बनाएं क्योंकि हम देखते हैं आई एन जी ज़्यादातर तो हम वर्ब में यूज़ करते हैं, है ना, कंप्लीटिंग, ईटिंग, रनिंग, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे दिख जाते हैं जिसमें अपनों को नाउन दिखाई देता है जो कि एक सफिक्स का काम करता है, तो वो हम देखेंगे। वैसे आई एन जी वाला नाउन बने ऐसा कम होता है लेकिन हमारे काम वैसे नहीं आएगा। दूसरा बी है एडजेक्टिव यानी विशेषण, इसमें क्या है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे पहला एडजेक्टिव के खुद के स्पेलिंग में आई वी ई आ रहा है तो ये आई वी ई है, एफ यू एल ब्यूटीफुल के जैसे, फिर एल ई डबल एस यानी कुछ भी, केयरलेस, फिर अगला नेस एन ई डबल एस आ जाए, ई एस टी बिगेस्ट, क्लोजेस्ट, फिर एबल ए बी एल ई आ जाए, ओ यू एस ए एल, तो इस तरह से आप देखते रहे। ये पूरा जो अपनों ने लिखा है एडजेक्टिव में करीब 13 ऐसे वर्ड है, और भी कुछ हो सकते हैं लेकिन ये हमारे काम के, ठीक है ना। तो ये आप ज़रूर लिख लें और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप शब्द देखेंगे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से याद रखने के लिए कि डिक्शनरी लें और उस डिक्शनरी में आप कोई भी वर्ड देखें तो वो वर्ड के पीछे नाउन, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है वो लिखा रहता है। ऐसे वर्ड जिसमें सफिक्स प्रीफिक्स जुड़े हों, सॉरी सफिक्स ही जुड़े हों, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वाकई में ये सब सफिक्स में प्रत्यय में आने की वजह से ये किस तरह से नाउन, एडजेक्टिव होते हैं। तो वो धीरे धीरे आपको मात्र 10 मिनट लगेंगे इस चीज़ का नॉलेज होने में।
इसके बाद सी वर्ब देखे, वर्ब हम बहुत लिमिटेड जानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, तो आईएनजी लगा देते हैं। सेकंड वाला आपको स्पेशल है कि ए टी ई है ना, ये एक पीछे एडवर्ब सॉरी सफिक्स का काम करता है, तो ये आपको काफ़ी काम आएगा। इसके बाद ई डी ई एन आई ई डी, और एडजेक्टिव एडवर्ब में मात्र एल वाई है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब कि एल वाई किसी ऐसे शब्द में जुड़ता है जो कि क्रिया के होने के तरीके को बताता है, उसके मैनर को बताता है, और भी कुछ हो सकते हैं लेकिन अपने काम का मात्र एक ही एडवर्ब। तो अब हम देखते हैं, इसमें एक छोटा सा नोट अपनों ने देख लिया है कि किसी भी दिए गए शब्द का नाउन वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब रूप उक्त सफिक्स को से बना सकते हैं, तो ये सभी इसमें काम आएंगे। तो अब हम देखें हम एंटोनियम और सिनोनियम के बारे में भी अभी जान लेते हैं कि एंटोनियम्स क्या होते हैं, कि विपरीत अर्थ वाले शब्दों को यानी विलोम शब्दों को एंटोनियम कहते हैं, या फिर अपोजिट वर्ड या अपोजिट मीनिंग वाले शब्द भी कहते हैं। इसमें उदाहरण एग्जांपल क्या दिए हुए हैं, जैसे डे तो नाइट हो जाता है, टॉल का शॉर्ट हो जाता है, बिग का स्मॉल हो जाता है, काफ़ी एंटोनियम्स हो सकते हैं। और इसमें एक नोट स्टार बना के मेन बात लिखी हुई है कि एंटोनियम्स को प्रीफिक्स जोड़कर भी बनाए जा सकते हैं, जैसे एक पंक्चुअलिटी का अनपंक्चुअलिटी। तो ये तो हमारे बेसिक जानकारी के लिए है, जो भी आपको ये समझाया जा रहा है आपके पैसेज में बहुत काम आएगा, इसलिए कुछ भी आप इसको आगे स्किप ना करें, पूरा अच्छे से समझे। फिर सिनोनियम्स देखें कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची को सिनोनियम्स कहते हैं, इसलिए और क्या कहलाते हैं, सिमिलर वर्ड्स भी कह सकते हैं, सेम मीनिंग वाले शब्द भी कहलाते हैं, तो ये सारे सिनोनियम्स होते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया है प्रेजेंट का, गिफ्ट, प्रेजेंट गिफ्ट वाला प्रेजेंट है तो उसको गिफ्ट भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा तो उसको एडिशनल भी बोल सकते हैं, डेफिनाइट को सर्टेन बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हम पर्यायवाची जानते हैं जो कि हो सकते हैं इंग्लिश में। तो अब ये सब बेसिक जानकारी होने के बाद अब हमारे जितने भी पैसेज होंगे वो हमें सॉल्व करना ज़्यादा आसान होंगे, क्योंकि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हमें क्या बातों का ध्यान रखना होता है पैसेज में और पैसेज आते कैसे हैं। जितना ज़्यादा आप पैसेज किसी भी प्रश्न के होने के तरीके को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको उसके अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए अपनों ने पहले ही सब कुछ अच्छे से जान लिया था कि बाद में हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और इसके अलावा आपको कोई खास बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ इसके प्रैक्टिस के ऊपर है जो कि पैसेज अब हम देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसके आगे अब दो पैसेज हम देखेंगे और काफ़ी उसी पूरी बेसिक जानकारी के ऊपर है जो कि हमने अब तक पढ़ी है, और इसी टाइप के आते हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई स्पेशल छांट के लाया गया है कि वो वैसा ही आपको दिखे, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए पैसेज है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 2016 में आया हुआ है, ये अगर आप अपनी बुक में देखना चाहते हैं तो बुक में तो नहीं, जैसा कि हमने लेसन्स पढ़े थे टेक्स्ट बुक के 1 to 6 लेसन, उसमें क्वेश्चन आंसर जो शिवलाल की गाइड में से देखे थे, तो वही शिवलाल की गाइड में से पैसेज हैं जो कि आपको पेज नंबर 11 पे मिलेगा, ये वाला पैसेज, ठीक है ना। तो ये हमने फर्स्ट में रखा है। तो ये जो पैसेज है, अब पैसेज सोल्व करने का तरीका क्या होता है, तो जो एक ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीका है वो ये कहता है कि आप पहले पैसेज को अपनी समझ के लिए पढ़े कि पैसेज किस बारे में है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़े और उसके बाद अपने उन आंसरों को ढूंढते हुए डबल पैसेज को पढ़े। लेकिन देखें, जब भी कोई नया पैसेज बोर्ड एग्जाम में आता है जहाँ पे आपको एक लिमिटेड टाइम होता है, तो वहाँ पे आप किसी नए पैसेज को, और वो एक जनरल इंग्लिश यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए थोड़ा कठिन होता है कि वो उसको पढ़े समझे, टाइम भी कवर करे और सारे आंसर लिख भी दे, ठीक है ना, क्योंकि पैसेज के अलावा पूरे 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसको हमें टाइम देना होता है, तो कुछ छूटे नहीं। इसलिए ये हमारा तरीका है कि हम थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करते हुए आंसर तक पहुँचे, जो कि सिर्फ एक प्रैक्टिस के द्वारा संभव है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम किसी भी पैसेज को कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। आप 10-12 पैसेज की इस तरह से प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको वे गारंटी है कि 15 मिनट भी मुश्किल से लगेंगे 12 मार्क्स के आंसर को कवर करने में, ठीक है ना। पैसेज 12 मार्क्स का आता है, चाहे पैसेज कितना ही बड़ा हो, तो जितना बड़ा होगा वैसे उतना पढ़ना तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उतना ही ईजी होगा आपको अपने इस नए तरीके से सॉल्व करने में, जितना बड़ा होगा उतना ईजी लगेगा। तो देखते हैं कि ऐसा क्या है। तो पहले तो आप
फिर भी ऊपर की एक दो लाइन पढ़ ले ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये हमारा पढ़ा हुआ पैसेज है। द जता का स्टोरी इज रिकाउंट द मेनी प्रीवियस बर्थ्स ऑफ द बुद्ध इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइव्स इन ऑल देयर आर 547 स्टोरीज ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्ध टू हिज डिसिपल। यानी कि हमें थोड़ा समझ में आ गया है कि ये जता का स्टोरीज वाला है, बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के ऊपर लिखित पैसेज है, 2016 में पूछा गया है। पैसेज को इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई घटना के बारे में बता सकता है। तो ये जो भी पैसेज है हमें पहले तो समझ में आ गया कि ये जता का स्टोरीज का है। ये हमने इसलिए जाना ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमारा पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं कि हमारा पढ़ा हुआ फिर भी हम उसको टाइम ना दें। जब पढ़ा हुआ पैसेज यदि बोर्ड एग्जाम में आ जाए, रिपीट भी हुए हैं कई बार, तो ऐसे में हमें पैसेज पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी बार हम देख चुके होते हैं कि डायरेक्ट हम आंसर भी लिख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है हमारे टाइम को कवर करने में। तो पहले ए वाला क्वेश्चन, अब देखें मैं आपको एक यहाँ पे एक अच्छी जानकारी दे देना चाहता हूँ ताकि आपको इजी रहे कि जब भी जो क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन बना है, उसमें जो शब्द होंगे आपको वो शब्द पैसेज के अंदर ढूंढना है ना। पैसेज के अंदर ढूंढना है मतलब सरसरी निगाह से देख लें, ऊपर से ढूंढते हुए नीचे की तरफ आए तो आपको जल्दी दिख जाएंगे, है ना। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी सिर्फ निगाह घुमाने की जरूरत है, आपको सिर्फ शब्द ढूंढना है, उसको समझना नहीं। तो जो क्वेश्चन में शब्द दिया है ऐसे शब्द का चुनाव करें ढूंढने के लिए जो आपको लगे कि हाँ ये किसी एक का जगह ही मिल सकता है। तो जैसे और उसमें यदि जब आप ढूंढ लेंगे तो जिस सेंटेंस में आपको वो पैसेज के अंदर वो प्रश्न के शब्द दिखेंगे, ये 99% गारंटी है कि आपको उसी के अंदर वो आंसर मिलेगा। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जता का स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकारनेशंस ऑफ, तो कहाँ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, तो आप देख लें इस पैसेज में, है ना। जो बुक है तो वो बुक का यूज़ करें कि प्रीवियस इनकारनेशंस ऑफ। यहाँ पे देखें आपको ऊपर से फिफ्थ लाइन में इनकारनेशन वर्ड लास्ट में दिख रहा है। लेकिन एक और आपको जरूरी बात यह कि जब चार ऑप्शन दिए हों और खासकर किसी का नाम दिया हो या कोई नंबर टाइप का ऑप्शन दिया हो तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि जैसा कि ये पैसेज हमने जान ही लिया है कि गौतम बुद्ध के बारे में है, इसमें कहीं पे भी लॉर्ड कृष्णा, महावीर या दत्तात्रेय का कोई शब्द या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट गौतम बुद्ध पे भी राइट लगा सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये पूरा पैसेज गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है ना। तो ये वैसे फिफ्थ लाइन में इनकारनेशन वर्ड आ जाएगा और इसमें आपको आसपास सब तरफ सिर्फ गौतम बुद्ध ही दिखेंगे पूरे पैसेज में, जहाँ जहाँ पे इसका इसके बारे में आपको शब्द दिख रहे हैं, तो ये गौतम बुद्ध सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें आपको थोड़ा नया लग रहा है तो आप बी वाला देखें, जैसे द स्टोरीज आर रिटन इन, रिक्त स्थान दिया हुआ है लैंग्वेज, तो इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, कहाँ वर्ड लिखें, स्टोरीज आर रिटन, तो आप देखें जाके कि ये आपको दिख सकता है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ आप ही के साथ में कि आर रिटन इन, ऊपर से थर्ड लाइन में है ना, दे वर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बारे में यही एक सेंटेंस है, तो पाली लैंग्वेज अपना सही ऑप्शन है, उसी सेंटेंस में आपको सही जवाब मिलेगा। इसके बाद सी वाला देखें, द वाइस एनिमल वॉस, अब वाइस एनिमल, आपको वाइस एनिमल ढूंढना है, आपने पूरा पैसेज पढ़ा नहीं है क्या है कहाँ है, तो आप जब ढूंढते हुए आएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढते हुए आए और इसमें आपको कहीं ना कहीं वाइस एनिमल जो है वो मिलेगा। तो ये सेकेंड पैराग्राफ में आपको सेकेंड लाइन में दिखाई देगा, इसमें आप देखें द एनिमल रेस्पेक्टेड द हेयर एज ही वॉज वाइस एंड जेंटलमैन, तो वाइस और हेयर जो ऑप्शन है वो उसमें से ही आपको कोई शब्द देखेगा, ऐसा नहीं कि कोई फिफ्थ आपने जवाब दे दिया, पांचवा कोई अलग से जवाब नहीं देना है ना। तो ये इस तरह से सी वाला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद आप देखें डी वाला, सक्का एंटर्ड द फॉरेस्ट इन डिस्ग्रेस ऑफ, कहाँ ऐसे वर्ड लिखे हैं सक्का एंटर्ड, तो ये आपको वर्ड दिखेंगे इस थर्ड पैराग्राफ में जो नीचे से सेकेंड पैराग्राफ है, सक्का एंटर्ड द फॉरेस्ट डिस्ग्रेस एज अ बेगर, तो यहाँ पे ये आपको बेगर सही ऑप्शन दिख जाएगा। वैसे आप ऑप्शन पहले पढ़ेंगे उसके बाद ही वहाँ जाके देखेंगे ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि चार में से ये है। फिर ए वाला थोड़ा इजी दिख रहा है कि द जता का स्टोरीज कंटेन डैश स्टोरीज, तो यहाँ पे कौन सी स्टोरीज है, कितनी स्टोरीज है, एक आंकड़ा दिया है, तो ये जल्दी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। आप देखेंगे 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 तो आपको दिखेगा ये
सबसे ऊपर से सेकंड वाली लाइन में 547 स्टोरीज। इसके बाद एफ वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये तो पांचों अपनों ने जो देखे हैं, अपनों को क्या पता चला कि ये कहीं ना कहीं पैसेज पे आधारित प्रश्न थे, जो कि पैसेज के इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन थे। अब एफ वाला क्वेश्चन है कि वर्ड प्रीवियस रिलेट्स टू, है ना, क्वेश्चन पहले समझ में आना जरूरी है कि जो प्रीवियस वर्ड दिया हुआ है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है ना, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर। वैसे अगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है समझ है तो आप वैसे ही जान लेंगे। प्रीवियस कहते हैं पिछले को, तो पिछला यानी जो गुजर चुका है यानी पास्ट, वो सही जवाब होगा। तो प्रीवियस वर्ड फिर भी हम देखें कि कहाँ आ रहा है, ये प्रीवियस वर्ड सबसे फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है जहाँ पैसेज स्टार्ट हुआ है ना, सबसे फर्स्ट लाइन में। तो अब जब ये वोकेबुलरी पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो हमारे शब्द के ज्ञान के ऊपर होते हैं, शब्दकोश के ज्ञान के ऊपर होते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब कोई वर्ड आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है जो पैसेज में आया हुआ है तो उसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, और यदि क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड दिया है जो कि पैसेज के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि दिए गए ऑप्शन में या फिर जो आंसर होगा, जो होना चाहिए, वो आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा। आई बात समझ में? एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं कि यदि क्वेश्चन में दिया गया कोई ऐसा वोकैबुलरी का वर्ड आपको पैसेज के अंदर दिया गया है तो आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, और यदि क्वेश्चन में दिया गया कोई वर्ड पैसेज के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा, जो कि सीधी बात है एक शब्द का ही होगा। तो ये पास्ट वैसे सही जवाब है, क्योंकि जैसे प्रीवियस वर्ड आया तो पास्ट हमें याद रखने वाली बात है, कहीं आपको मिल भी जाए ऐसा शब्द तो वो किस्मत से है, बाकी होगा नहीं ऐसा। इसके बाद आप जी वाला क्वेश्चन देखें, मंकी फाउंड डैश एस फूड टू ईट टू बी गिवन टू नीडी पर्सन, तो कहाँ लिखा है मंकी फाउंड? तो ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पैसेज में दिखेगा मंकी फाउंड के बारे में, ये आपको दिखेगा सेकेंड पैराग्राफ में ऊपर से फोर्थ लाइन में, ठीक है ना, ये इस जगह पे, सो द मंकी फाउंड राइप मैंगोस, ठीक है ना। तो जो आपको ऑप्शंस दिखेंगे उसमें से आपको सही जवाब मिल जाएगा, राइप मैंगोस थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद एच वाला क्वेश्चन दिया है, द जता का स्टोरीज वर रिटन इन, अब वर रिटन इन इसमें कोई टाइम फ्रेम पूछा है तो कहाँ दिख रहा है ऐसा कोई ऑप्शन के शब्द कहाँ आपको दिखेंगे, जल्दी दिख जाएंगे, ऊपर से फोर्थ लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर से फोर्थ लाइन में आगे ही शब्द दिया है 400 BC, तो यहाँ पे ये 400 BC वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो ये इस तरह से अपनों ने टोटल 8 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि या तो ऑप्शन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, जो कि पैसेज के ऊपर आधारित होंगे और वोकैबुलरी के। अब दो ऐसे क्वेश्चन हर बार एंड में ही होंगे जो कि दो दो मार्क्स के होंगे और पैसेज के ऊपर आधारित होंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप के। तो क्वेश्चन आंसर यानी जैसे हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, क्या कैसे क्यों, इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन है आई वाला कि व्हाट रिवार्ड डिड सक्का गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन के शब्द आपको पैसेज में ढूंढना जरूरी है, तो यहाँ पे कहाँ कुछ लिखा दिखेगा आपको सेल्फ सेक्रीफाइस टाइप, सेल्फ सेक्रीफाइस ढूंढ लें। तो ये जब पैसेज में आप देखेंगे तो आप ढूंढेंगे कितना ही, लेकिन आपको पैसेज के एंड में मिलेगा सेल्फ सेक्रीफाइस। तो ये आंसर आपको, क्योंकि हम जनरल इंग्लिश के, अब मैं कहूँ कि आप ये समझ के लिख दें तो शायद आपके लिए कठिन हो, इसलिए अगर हम उत्तर सही चाहते हैं और मार्क्स भी चाहते हैं तो आप ज़्यादा उसको ईजी ही रखें, क्योंकि हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट शायद उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाए। अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, समझ के आप लिख लें, जैसा कि नीचे इसमें शिवलाल की गाइड में नीचे आंसर्स भी दिए हैं। तो वरना आप क्या करें कि ये जो पूरा सेंटेंस है आप पूरा का पूरा लिख दें, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी सेंटेंस से ही बना है और आंसर उस सेंटेंस के अंदर है, तो फिर हम ज़्यादा इतना संकोच या इतना विचार क्यों करें, ठीक है ना। तो पूरा ये जो आप सेंटेंस देखेंगे नीचे से डेड लाइन का, फुल स्टॉप के बाद से पूरा एंड तक, सेल्फ सेक्रीफाइस तक आप लिख दें, इन ग्रेटिट्यूड से लेके सेल्फलेस सेक्रीफाइस। और लास्ट क्वेश्चन एक और दिया गया है कि जे वाला, व्हाट डू द जता का स्टोरी शो,
तो ये भी आपको वर्ड कहीं दिखेंगे पैसेज में, आप देख लें कि जता का स्टोरेज शो ऐसा कहीं कोई वर्ड दिख रहा है क्या, तो ये आपको दिखेंगे हाँ फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर से फिफ्थ लाइन में, जो फिफ्थ लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं से द स्टोरी शो द प्रोग्रेशन ऑफ हिज लाइफ, यहाँ से लेके तो फुल स्टॉप कहाँ तक दिख रहा है, लीड टू एनलाइटमेंट तक, यानी ये करीब ढाई लाइनें हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी भी हो वो मैंने क्या कहा आपको शॉर्ट सिंपल रखना है, आंसर के मार्क्स मिलने से मतलब है ना, और हमें बोर्ड एग्जाम में टाइम भी बचाना है। अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट है, ज़रूरी नहीं कि ये देखने वाले हर कोई उसको अपने जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखे, अच्छे ट्रेडिशनल तरीके से अच्छे से समझ के भी लिख सकते हैं, लेकिन बस ये है कि टाइम भी कवर करना है और ज़्यादा आपको लोड भी नहीं लेना है, तो एनलाइटमेंट तक हम पूरा लिख देंगे। तो इस तरह से अपना पहला पैसेज हो जाएगा, क्योंकि अपना इस पैसेज का फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसलिए अपनों ने थोड़ा टाइम दिया इसको। जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कम से कम समय में आप किसी भी पैसेज को सॉल्व कर सकेंगे। ये वैसे इस पैसेज के आंसर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें जो अपनों ने पढ़ा है वो सही है। कहीं पे अगर इस पैसेज मैंने देखा है कि किसी बुक में कुछ गलत भी आंसर छप जाते हैं तो आप उसको करेक्ट कर लें, जैसा अपनों ने पढ़ा है बस वो सही है, क्योंकि वो अपने ने खुद ढूंढ के समझ के ही जवाब दिए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में कोई गलत नहीं लिखा है। अब सेकेंड पैसेज एक और हम देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अपनों को अब प्रैक्टिस हो गई है कि पैसेज सोल्व कैसे करना है, अपनों ने बेसिक जानकारी भी ले ली है स्टार्टिंग में ही। तो 2015 का ये जो दूसरा अब हम पेसेज देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया मेन एग्जाम में, तो इसको हम देखते हैं। अब पेंच नेशनल पार्क मोगली लैंड है ना, पेंच नेशनल पार्क किसी को पता हो, पेंच नेशनल पार्क एक उद्यान है अपने इंडिया में, मोगली लैंड है ना, जो द जंगल बुक के ऊपर था मोगली जंगल जंगल पता चला है वो वाला, तो ये नेशनल पार्क के बारे में है। तो ये तो सिर्फ अपनों ने एक इन्फॉर्मेशन ली कि हाँ ये पैसेज इसके बारे में, ताकि हमें आगे याद रहे कि हमारा पढ़ा हुआ है। तो अब हम इसका इसके पैसेज देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन दिया गया है गजेट मीन्स, देखो पहला मीन्स यानी मीनिंग पूछा है ना, अपनों ने देखा था वर्ड मीनिंग भी पूछ सकते हैं, शब्दार्थ पूछ सकते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन अपनों को वोकैबुलरी पे आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी क्रम में आएंगे, आगे पीछे दे सकते हैं। तो गजेट शब्द क्या कहीं दिया है क्या? अगर दिया होगा इसका मतलब है कि आंसर हमें याद रखना होगा, पैसेज को पढ़ के जवाब नहीं दे सकते हैं तो अपने शब्द के ज्ञान के ऊपर ही है। तो गजेट वर्ड आप देख सकेंगे कि ऊपर से सिक्स्थ लाइन में आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट एंड गजेट सेस। तो जो गजेट होता है, गजेट कहते हैं किसी सरकारी दस्तावेज को है ना, सरकारी अधिकारी को, सरकारी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, गजेटेड ऑफिसर है ना। तो जो सरकारी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है, सरकारी संबंधित है, उसको गजेट बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से वैसे याद रखने वाली बातें हैं। पहले के टाइम पे जब फॉर्म भरे जाते थे ऑफलाइन, तो वहाँ पे गजेटेड ऑफिसर के साइन मांगते थे। तो गजेट यानी गवर्नमेंट संबंधित है, आप ऐसे डायरेक्ट याद रख लें, तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट थर्ड ऑप्शन सही होगा, बाकी तो गलत है, उनका भी मतलब ही नहीं है। बी वाला है मोगली लैंड इज सिचुएटेड बिटवीन नागपुर एंड, तो कहाँ लिखा है मोगली लैंड इज सिचुएटेड, तो इसको आप देख सकते हैं पैसेज में सेकेंड लाइन में, इट इज इन बिटवीन नागपुर एंड जबलपुर। तो जो सही जवाब होगा, वैसे आप ऑप्शन पहले पढ़ लें, वो जबलपुर सही जवाब होगा। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन दिया है राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड वंडरफुल। अब ये देखें कि वंडरफुल का आपको वर्ब बताना है। अभी अपनों ने स्टार्टिंग में देखा था कि किस तरह से सफिक्स जोड़कर हम किसी भी वर्ड का नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें पहले से सफिक्स जुड़ा हुआ है, तो वंडरफुल एक एडजेक्टिव है, इसका हमें वर्ब बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, या तो हमें नॉलेज हो तो हम बता देंगे है ना, हमें वर्ड के आगे पीछे कुछ पीछे ही कुछ चेंज करना होता है, ना कि वर्ड को कोई चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो हम देखें, हम अगर हमें सही जवाब कभी नहीं पता हो तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, यानी कि जो गलत है पहले उसको हटा दें, तो हम सही तक पहुंच जाएंगे। कैसे, जैसे कि सेकंड वाला ऑप्शन देखें आप वंडरफुल, अब वंडरफुल का वर्ब वंडरफुल तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, दिन का विलोम दिन तो होगा नहीं, ऐसे ही वंडरफुल का वर्ब वंडरफुल तो खुद नहीं होगा। अब हम देखें कि फोर्थ वाला,
अपनों ने देखा है कि एडवर्ब पीछे एल वाई लगाने से बनता है, तो वंडरफुल, वंडरफुली जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये तो एडवर्ब है ना, वर्ब तो नहीं है, तो वंडरफुली भी गलत जवाब है। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं, वांडर, वांडर सॉरी, ये तो वंडरफुल है तो इसलिए यहाँ पे वंडरफुल का आपको वांडर नहीं करना है, यानी कि शब्द नहीं बदलेगा, शब्द के आगे पीछे कुछ चेंज होगा लेकिन वर्ड में चेंज नहीं होगा, जो एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वर्ड है उसमें चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है, वंडर। तो आप देखें कि वर्ब हम जानते हैं ईट, प्ले, रन, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होती है जो कि क्रियाशील होती है ना, एक्टिव वर्ब्स होती है, तो ये वंडर ऐसा एक फ्री वर्ड है, ऐसा नहीं कि किसी प्रत्यय के जुड़ने पे ही वो बने, ऐसे काफ़ी फ्री वर्ड्स होते हैं, मोस्टली होते हैं। अब हम देखें, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि किस तरह से हम सही तक पहुँचे गलत को हटा के, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें डी वाला क्वेश्चन, पेंच नेशनल पार्क इज नोन एज, तो वैसे तो हमने ऊपर देख ही लिया था मोगली लैंड, लेकिन फिर भी यदि आप देखना चाहते हैं कि इज नोन एज क्वेश्चन के वर्ड कहाँ लिखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से फोर्थ लाइन में, पार्क इज ऑल्सो नोन एज मोगली लैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें कि ई वाला, रुडियार्ड कपलिंग रोट ए नोवेल नेम्ड। अब रुडियार्ड कपलिंग एक उन्होंने नोवेल लिखी है, तो रुडियार्ड कपलिंग किसी का नाम है, तो ये नाम हम जल्दी से ढूंढ ले कहाँ लिखा हुआ है रुडियार्ड कपलिंग, तो ये आपको दिखाई देगा फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से सेकेंड लाइन में, रुडियार्ड कपलिंग, और इसी सेंटेंस के अंदर ही मिलना है अपनों को सही जवाब, जैसा कि अपनों ने अब तक एक्सपीरियंस किया है, तो इस सेंटेंस में आपको दिख जाएगा लास्ट लाइन में जंगल बुक, तो ये इसका सही जवाब होगा, जैसा कि चार ऑप्शन दिए उसके उसमें से जंगल, द जंगल बुक जैसा ऑप्शन में दिया है वैसा आप लिख देंगे, सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर एफ वाला क्वेश्चन है, हु हैड लिफ्टेड द इनोसेंट चाइल्ड मोगली, कि उस मासूम से बच्चे मोगली को किसने उठाया, तो पता नहीं हमको, तो हमने पैसेज पढ़ा ही नहीं है, तो देखें लिफ्टेड द इनोसेंट ऐसा कहाँ लिखा है, मोगली को नहीं ढूंढे, मोगली तो बहुत जगह लिखा है, ऐसे शब्द का चुनाव करें जो आपको लगे कि किसी एकाध जगह ही मिले, तो लिफ्टेड द इनोसेंट ऐसा आप पैसेज में अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ दिख सकता है, ये आपको दिखाई देगा फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से थर्ड लाइन में, है ना, मेरे जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से समझे, फर्स्ट पैराग्राफ नीचे से थर्ड लाइन, लिफ्टेड द इनोसेंट दिखाई दे रहा है, इसी सेंटेंस में शुरुआत में दिखेगा अ हर्ड ऑफ एनिमल्स, है ना, सेंटेंस कहाँ शुरू होता है, फुल स्टॉप के बाद में, तो फुल स्टॉप के बाद तक पूरा वहाँ से ध्यान दे कि अ हर्ड ऑफ एनिमल्स केम देयर एंड लिफ्टेड द इनोसेंट फॉर देयर डिनर, तो अ हर्ड ऑफ एनिमल यानी जानवरों का झुंड, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा द अ हर्ड ऑफ एनिमल्स। फिर जी वाला क्वेश्चन दिया है कि सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पेट, ये तो फर्स्ट सेकेंड क्लास का क्वेश्चन है कि आपको सही विकल्प चुनना है, करेक्ट अल्टरनेटिव यानी सही विकल्प चुनना है कौन सा, अपोजिट ऑफ द वर्ड, अपोजिट अपन देखा है ना एंटोनियम वर्ड, तो पेट का एंटोनियम विलोम क्या होगा, पेट एनिमल का वाइल्ड एनिमल, ठीक है ना, पेट का हो जाएगा वाइल्ड, तो ये अब पेट शब्द जो है अगर हम देखेंगे फिर भी पैसेज में, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है पैसेज में आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन वाइल्ड शब्द जो है यह आपको ज़रूर दिखेगा, जैसा कि अपनों ने अब तक समझा है कि क्वेश्चन में आने वाला शब्द अगर पैसेज में नहीं है तो उत्तर होगा, तो यहाँ पे वाइल्ड शब्द आपको दिखेगा ऊपर से सेवंथ लाइन में, है ना, ऊपर से आप देख ले सेवंथ लाइन, द हर्ड ऑफ डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स, और पूरे आंसर में आपको कहीं सॉरी पैसेज में कहीं आपको पेट शब्द नहीं दिखेगा, तो इस तरह से अपनों को अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अपनी समझ को बढ़ाना है कि पैसेज को कैसे हम कम समय में समझ सकते हैं और सही जवाब भी दे सकते हैं। एच वाला क्वेश्चन दिया है, हु स्टार्टेड मोगली उत्सव, हु वॉज फॉरेस्ट मिनिस्टर देन, मोगली उत्सव किसने स्टार्ट किया, ऐसा शब्द हम देखेंगे, चार नाम दिए हैं, कोई एक नाम या दो नाम कहीं दिख भी जाए लेकिन आपको मोगली उत्सव दिख सकता है, तो ये सबसे लास्ट पैराग्राफ में नीचे से फोर्थ लाइन है, लेफ्टिनेंट हरबंश सिंह ऐसा नाम दिया हुआ है ना, तो ये वाला जो है ये नाम है, और इसी सेंटेंस में आपको नीचे से दूसरी लाइन में मोगली उत्सव भी दिख जाएगा, क्वेश्चन का वर्ड है, आंसर भी उसी सेंटेंस में है जिसमें दिया गया है ऑप्शन, तो
वो सही जवाब है, बाकी नाम तो वैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पैसेज में सिर्फ ऐसे गुमराह करने के लिए दिए हैं क्वेश्चन में। अब लास्ट है आई और जे वाला क्वेश्चन, तो अब आप देखिए हु इज द हीरो ऑफ द फेमस नॉवेल द जंगल बुक। एक बात आप ध्यान से समझ ले कि जब भी क्वेश्चन में शुरुआत में हु या होम पूछे, है ना, मतलब कौन या किसको इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, तो आपको सिर्फ उसमें किसी का नाम बताना है ना, कि कौन है हीरो फेमस नॉवेल जंगल बुक का। तो कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको पैसेज में देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है फिलहाल तो, क्योंकि मोगली है, तो आप हु की जगह क्या करें, मोगली लिखें और पीछे का पूरा क्वेश्चन में से आप लिख दें, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोगली इज द हीरो ऑफ द फेमस नॉवेल द जंगल बुक। ठीक है ना, सिर्फ मोगली करके नहीं छोड़ना है क्योंकि 2 मार्क्स का आंसर है। ठीक है ना, इसके बाद आप देखें जे वाला क्वेश्चन, वाई इज द पेंच नेशनल पार्क कॉल्ड मोगली लैंड क्यों कहलाता है, तो क्यों का आपको सही जवाब देना है। देखिए इस पैसेज में कुछ बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट गलत जवाब तक पहुंच गए हैं, तो वो क्यों का जवाब आपको कंफ्यूज करने वाला दिख सकता है। कहाँ पे, ऊपर से 4th लाइन में, पार्क इज ऑल्सो नोन एज मोगली लैंड बिकॉज ऑफ द जंगल बॉय मोगली नेम्ड लेटर, कि मोगली के नाम पे रखा गया था ऐसा कुछ, लेकिन उसमें कारण नहीं है उसके नाम पे रखा गया तो ठीक है, लेकिन मेन कारण आपको लास्ट पैराग्राफ में दिखेगा जो कि आपको नीचे से 5th लाइन में मिल जाएगा। सो पेंच नेशनल पार्क इज ऑल्सो कॉल्ड मोगली लैंड बिकॉज ही पास हिज लाइफ एंड एक्टेड लाइक एनिमल इन द एरिया। एरिया तक आपको पूरा लिखना है, आप इसमें 100 शब्द को छोड़ सकते हैं, पेंच नेशनल पार्क से लिख दें, है ना। अगर आपको थोड़ी सा आइडिया है, थोड़ी सी भी इंग्लिश समझ में आती है, तो आप 100 को जरूर छोड़ें, नहीं आती है तो लिख देना, क्या करें। तो यहाँ पे एनिमल इन द एरिया तक आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपनों ने देखा कि पैसेज को सॉल्व कैसे करना है ना, किसी पारंपरिक तरीके को अपनाने के चक्कर में हम ज़्यादा टाइम इसको दे दें और फिर भी आंसर गलत हो, इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा अपने तरीके से अपने रास्ते निकालें अपने आंसर तक पहुंचने के लिए और सही जवाब देके फुल मार्क्स लें। तो उम्मीद है कि आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया होगा, आपने सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपनी कॉपी में लिखी होगी, और इस तरह से हम आगे और भी पैसेज को डील करेंगे, समझेंगे पिछले सालों में पूछे गए पैसेजेस को और कुछ एक्स्ट्रा पैसेजेस को भी हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।